दोस्तों, हजार्ड यानी ख़तरा। हजार्ड के बारे में तो हमने जान लिया। अगर आपने हजार्ड वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख ले ताकि आपको ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो क्योंकि ये उसी से जुड़ा हुआ है और हजार्ड्स आप पहले जान लेंगे तो बेटर होगा आपको ये समझने में। ठीक है, तो दोस्तों हजार्ड क्या है ये तो हम लोग ने जान लिया। आज हम लोग जानेंगे कि उस हजार्ड्स को अपनी साइट से कैसे हटाएंगे। ठीक है, क्या मेथड है, क्या तरीका है उस हजार्ड को अपनी साइट से हटाने का। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स। दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम और रेगुलरली ये क्वेश्चन हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि, और ये क्वेश्चन भी तरह तरह से पूछे जाते हैं, जैसे हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल क्या है, हजार्ड्स को आप अपनी साइट पर कैसे कंट्रोल करेंगे, फाइव स्टेप ऑफ हायरार्की क्या है, हायरार्की क्या है, ये तरह तरह के क्वेश्चन है। मगर सबका एक ही मीनिंग है कि सामने वाला बंदा ये पूछ रहा है कि हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल क्या है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, इसे डिटेल में जानते हैं कि ये जो हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल है ये एक मेथड है जिसे हम अपने साइट पर साइट से हजार्ड्स को हटाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स है, अलग अलग मेथड्स है जिसे हम एक ही हजार्ड को अलग अलग तरीके से हटाते हैं। ठीक है, तो ये फाइव स्टेप होते हैं इसके। जो पहला स्टेप है वो एलिमिनेशन, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है इंजीनियरिंग कंट्रोल, चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, लास्ट है पीपी। ठीक है, तो जो सबसे पहला है एलिमिनेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एलिमिनेशन यानी कि उस हजार्ड्स को हम लोग फिजिकली वहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, एक मतलब कि जो हजार्ड्स है उसको वहाँ से हटा देना ही आपका एलिमिनेशन हुआ। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर उस एरिया में बहुत ही डस्ट है, तो आप क्या करेंगे, काम करने से पहले उस डस्ट को वहाँ से हटा के डस्टबिन में डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका एलिमिनेशन हुआ, फिर वो डस्ट उड़ेगा नहीं। ठीक है, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं हम लोग करते हैं इसमें रिप्लेस द हजार्ड, हजार्ड्स को रिप्लेस करते हैं। मान लीजिए आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ एक पेडेस्ट्रियन फैन लगा हुआ है। ठीक है, पेडेस्ट्रियन फैन में क्या होता है कि वो बहुत ही फास्ट घूमता है और कोई भी उसमें जाकर उंगली घुसाता है, हाथ घुसाता है, थोड़ा छिड़खानी करता है। ठीक है, तो अगर आपको उस हजार्ड्स को वहाँ कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे, आप पेडेस्ट्रियन फैन को हटा देंगे, एसी लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, आपने हजार्ड को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जो थर्ड है वो है इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं कि हजार्ड्स को आइसोलेट करते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जू में शेर को जो हम लोग पिंजरे में रखते हैं वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, वो शेर खतरा है, वो हमारे सामने रहता है, लेकिन उस पिंजरे की वजह से वो हम पर अटैक नहीं कर सकता है, हमें कोई भी परेशानी या दिक्कत उससे नहीं होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उसे आइसोलेट कर दिया, यानी वहाँ पर अपना इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा दिया। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल में काउंट होता है, आइसोलेट द हजार्ड। ठीक है, फोर्थ है एडमिन कंट्रोल। एडमिन कंट्रोल में आता है दोस्तों कि वहाँ पे सीसीटीवी लगा देना, वहाँ पे सेंसर गेट लगा देना, बेटर सुपरविजन कर देना, ये सारा कुछ इसमें आता है। ठीक है, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम करने के तरीके को चेंज करना है। ठीक है, कहीं मान लीजिए कुछ लोग इंगेज है और वहाँ पे कौन लोग किस तरीके कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, ये सब अगर आपको पता करना है तो क्या करना है, वहाँ सीसीटीवी लगा दीजिए, कहीं कोई हजारडियस काम तो नहीं कर रहा है, कोई हजारडियस मशीन गलत तरीके से तो नहीं छू रहा है, मशीन में कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगा के। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल बताया हूँ आपको। लास्ट वन है पीपी। पीपी दोस्तों बहुत ही ईजी है, पीपी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट द वर्कर विथ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ग्रीस और तेल का काम है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स दे देंगे ताकि उसका जो हाथ है वो ख़राब ना हो। ठीक है, जो भी हजार्ड से वो हट ना लगे उसे। ठीक है, तो ये है हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल। इस तरीके से हम लोग किसी भी हजार्ड्स को कंट्रोल करते हैं अपने वर्क साइट पे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन कुछ आते हैं जो कि पूछे जाते हैं जनरली, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है, विच इज़ द लीस्ट इफेक्टिव कंट्रोल इन हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल। ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो इसका आंसर होता है पीपी। पीपी इज़ द लीस्ट इफेक्टिव कंट्रोल, मीन्स ये सबसे लीस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, इसका असर सबसे कम है, इसलिए हम लोग पीपी को बोलते हैं लीस्ट इफेक्टिव कंट्रोल। नेक्स्ट है, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल इन हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल। तो इसका आंसर हो जाएगा एलिमिनेशन, सबसे इफेक्टिव होता है एलिमिनेशन, हजार्ड्स को वहाँ से हटा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, हाउ वी कैन कंट्रोल हजार्ड्स एट साइट। ये जनरली पूछा जाता है कि आप अपने साइट से हजार्ड्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इसका आंसर यही होगा, बाय यूजिंग हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपने से भी बना सकते हैं जो कि बहुत ही ईजी है। ठीक है, अगर आपके इसके बावजूद भी कोई मन में क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो आज का जो सेफ्टी स्लोगन है दोस्तों वो है अ शॉर्टकट मे कट शॉर्ट। ठीक है, अगर हम लोग जनरली बहुत शॉर्टकट लेते हैं अपने लाइफ में, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं कि ये बंदा जो रेल का ट्रैक है वो पार कर रहा है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट उसे कट शॉर्ट भी कर सकता है, यानी उसका ज़िंदगी भी छीन सकता है, इसीलिए हमें शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए किसी भी वर्क प्लेस पर। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताएं, और लाइक बटन पे लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
This is love, love, dance.